अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ ईशा उस्मान, आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करेंगे, जिसका क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, और उसके साथ हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट भी देखना है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज लेना भी आप लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोज में देखा है कि हम लोग किस तरह ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज, रोज कन्वर्ट इन टू कॉलम्स और कॉलम्स कन्वर्ट इन टू रोज, या आप कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ए बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि पहले हम लोगों ने ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, जो भी आंसर आएगा देन उसका ट्रांसपोज। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। ए वाला मैट्रिक्स है -1, 3, 2 एंड 0, बी वाला है 1, -3, 2 एंड -5, और इसका होल ट्रांसपोज। इन दोनों का हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे रो की फर्स्ट एंट्री के साथ, कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे रो की सेकेंड एंट्री के साथ, सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, इसी तरह सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री के साथ। -1, 1 जा -1, +-3, 3 जा 9, 2 1 जा 2, +-0, 3 जा 0, 2 -1 जा -2, +-3, 5 जा 15, 2 2 जा 4, +-0, 5 जा 0, ये हो जाएगा -10, -17, 2 एंड 4, इसका होल ट्रांस का होल ट्रांसपोज। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10, 2, -17 एंड 4, कॉलम कन्वर्ट इन टू रो एंड सेकेंड कॉलम कन्वर्ट इन टू रो, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका ट्रांसपोज, और ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। फर्दर मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले हम लोगों ने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालने, और उसके बाद हमने क्या करना है उसे सिंपलीफाई। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1, -3, 2, -5, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें वो हो जाएगा 1, -3, 2, -5। ए ट्रांसपोज, ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1, 2, 3 एंड 0, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हो जाएगा -1, 2, 3 एंड 0, इन दोनों में हम लोगों ने ट्रांसपोज निकालनी है, देन हमने क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट। 1, 2, -3, -5 इंटू -1, 3, 2 एंड 0, इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले फर्स्ट कॉलम को रो की फर्स्ट एंट्री के साथ, फिर फर्स्ट कॉलम को रो की सेकेंड एंट्री के साथ, प्लस -3 और -5, सेकेंड रो को सेकेंड एंट्री की फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री के साथ, +-1, 1 जा 1, +-3, 3 जा 9, +-2, 1 जा 2, +-5, 3 जा 15, 2 1 जा 2, +-3, 0 जा 0, 2 2 जा 4, +-5, 0 जा 0, -1, 1 जा -1, -+9, +1, 10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -10, -+15, +2, 17, 2 -0, 2 एंड 4 -0, ये हमारे पास क्या आ गई है राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आप लोगों ने मेंशन कर देने, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, बी सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम वैसी है जिसमें हम लोगों ने अभी पहला क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, वहां ए बी था और यहाँ पे बी सी है। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी सी का होल ट्रांसपोज,
बी हमारे पास क्या है, 1, 2, -3 and -5। सी हमारे पास है -2, 6, 3, -9 का होल ट्रांसपोज। पहले हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। 1 -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले हम -2 के साथ, फिर 1 -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 6 के साथ, 2 -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 2 -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 के साथ। 2 1 2 माइनस है तो -2, प्लस 2 3 6 माइनस माइनस, प्लस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15। 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, 2 9 18 प्लस माइनस माइनस, 3 6 18 माइनस माइनस, प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, 5 9 45 माइनस प्लस माइनस, 6 -2 4 प्लस माइनस माइनस, 15 -6 9 बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -9 प्लस माइनस माइनस, 18 -6 12 बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -12 प्लस माइनस माइनस, 45 -18 27 ब्रेक लगा दो ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या हो जाएगा, 4 -9 -12 एंड 27। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। फर्दर मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। पहले सी का ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज लें और एट द एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सी हमारे पास क्या है, -2 3 6 and -9। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 3 6 and -9। इस तरह बी का ट्रांसपोज, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -3 and -5। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -3 2 and -5। सी ट्रांसपोज भी निकाल दिया, बी ट्रांसपोज भी निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, -2 3 6 -9, 1 2 -3 and -5। पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएं पहली रो की फर्स्ट एंट्री के साथ, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएं पहली रो की सेकेंड एंट्री के साथ, प्लस दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएं दूसरी रो की पहली एंट्री के साथ, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएं दूसरी रो की दूसरी एंट्री के साथ। नेक्स्ट हम क्या करवाते हैं, इसे मल्टीप्लाई, -2 1 -2 प्लस 3 2 6 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस, 6 3 18 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, 9 5 45 प्लस माइनस माइनस, 6 -2 4 प्लस माइनस माइनस, 15 -6 9 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -9 18 -6 12 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -12 प्लस माइनस माइनस, 45 -18 25 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 27 ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अगर आप देखें तो बोथ साइड्स हमारे पास क्या है, सेम। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था आप लोगों का सेकेंड पार्ट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।